हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल नॉलेज चैनल में सभी का स्वागत है। जो कल मैच होने जा रहे हैं हैती वर्सेस अर्जेंटीना में, उसकी ड्रीम इलेवन टीम बनाने जा रहा हूँ। ये ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले कल के ड्रीम इलेवन टीम के बारे में बताता हूँ, जो आयरलैंड वर्सेस फ्रांस के बीच हुई, जो मुझे बहुत कमेंट में गालियाँ दी किसी ने कि भाई तूने कैसी टीम बनाई, तीन प्लेयर खेले नहीं, चार प्लेयर खेले नहीं, कोई बोलता है तूने कमीशन खाया, ऐसा नहीं है भाई। क्यों अभी बताता हूँ कि आपने अगर आरएम वर्सेस लीव यानी कि रियल मद्रिद वर्सेस लिवरपूल की मैच देखी होती तो मुझे ये नहीं भूलते, क्योंकि ग्रेथ बेल खेलने वाले थे, इंजरी के चलते खेलने के चांसेस कम थे, और लिया भी तो किसी ने कप्तान वाइस कप्तान किया नहीं ना, 1 लाख के स्टेट में अगर किसी ने किया होता, मैं पिछली वीडियो में भी ये बताता तो आप रैंक भी ऊपर आती, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, सीधा बोल दिया कि रोनाल्डो बहुत अच्छे है, तो रोनाल्डो बहुत अच्छे है, लेकिन बाकी भी तो प्लेयर होते, वैसे ही फुटबॉल का होता है भाई। तीन प्लेयर नहीं लिए, माना तीन प्लेयर नहीं लिए मैंने, चार प्लेयर नहीं लिए, लेकिन कप्तान वाइस कप्तान के आप देख सकते रसले, मैंने कहा था अगर झूठ बोलता तो आप रिजल्ट में देखिए, तो उन्होंने अच्छे खेला, टीम भी जीती। मैं एक टीम के बारे में किसी ने कहा था, मैंने बताया था कि 90% से भी ज़्यादा चांसेस है कि फ्रांस जीतेगी, वो किसी ने नहीं देखा, आपको सिर्फ तीन प्लेयर या चार प्लेयर दिखते तो वही ठीक है, मैं 11 प्लेयर की इस टीम स्क्वाड लिया तो परफेक्ट है भाई, 11 ही खेलेंगे, मुझसे अच्छा तो बाकी यूट्यूबर भी आपको 11 टीम ही प्लेयर ही बताएंगे, कप्तान वाइस कप्तान बताएंगे, आप जीतेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप जैसा चाहते वैसा टीम बना देता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, जीतोगे ही नहीं, क्योंकि 1 लाख का स्टेट वो क्या बेवकूफ़ है, क्या वो टीम नहीं बनाते, क्या वो 11 प्लेयर सोच समझ कर नहीं लेते, ऐसा क्यों, वो तो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर आप ये कीजिए कि मेरे वीडियो ये मत देखिए, किसी यूट्यूबर की देखिए और उससे जीत कर दिखाइए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो भी यही करेगा कि 11 प्लेयर लेगा, वो नहीं देखता कि जो प्लेयर इंजरी है या फिर वो खेलने वाला है वो कौन कितना टॉप परफॉर्मेंस करता है या फिर करेगा, लेकिन खैर सबको यही पड़ी है। तो मैं ड्रीम इलेवन टीम बताता हूँ, सिर्फ 11 प्लेयर आपको बताता हूँ जो कन्फर्म खेलने वाली है, जिसमें कोई शक नहीं, जो सबको वही चाहिए भाई, और मैं पूरा वीडियो देखा करो ऐसे बोलते, आधा वीडियो देखते स्टार्टिंग के बकवास इसकी सुनो ही नहीं, आधी या फिर बीच की नहीं, सीधे लास्ट की देखा, फिर कमेंट आई कि भाई तूने ऐसी ड्रीम इलेवन टीम बनाई, अरे मैंने अपने हिसाब से बनाई भाई, उसमें भी चेंजेस करने के लिए कहा है, वो कोई नहीं देखता, वो तीन चार प्लेयर नहीं खेले वही सब देख रहे हो, मैंने बताया था वो रिस्क है, जैसे ग्रेथ बेल की वो रिस्क थी, तो उस हिसाब से लीजिए, अगर आप यही चाहते हैं मेरे ड्रीम इलेवन टीम इलेवन वही प्लेयर खेलने चाहिए, तो मैं इलेवन ड्रीम प्लेयर बना कर देता हूँ भाई, आपके हिसाब से जीत कर दिखाओ, तो चलिए ड्रीम इलेवन टीम बनाते थे। ये इतने सारे ऑप्शन क्यों होते हैं, कभी कभी भाई मैंने हमेशा कहा इंजरी के चलते कोई आता है कोई जाता है, भाई लियोनी मेसी भी अर्जेंटीना कभी बाहर जा सकते हैं पता नहीं, जो कन्फर्म है आप भी पता है भाई, आपके भी पैसे लेंगे, मैं भी वीडियो बताता हूँ, अगर मैं ऐसे करने लगा झूठे बने लोगों को, मुझे भी पता है ना कोई देखा गया नहीं, सब यही समझेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वीडियो लंबी होगी फिर किसी को बोर लगेगा कि भाई ये 9 मिनट 10 मिनट की बकवास की इसने, या देखिए ये दोनों टीमें चले बनाते, ये दोनों टीमें अब तक आमने सामने दो बार आ चुकी है, उसमें से दोनों की दोनों यानी कि 100% बार अर्जेंटीना ही जीती, तो हयाती हर बार हार चुकी है, लेकिन पिछले 6 मैचों में देखिए तो हयाती सारे मैच लगभग जीत ही चुके, एक हार चुके ड्रॉ पे, तो अर्जेंटीना का कुछ अलग है भाई, 3 तो ड्रॉ हो चुके, 2 जीते 1 ही हारी है, तो अर्जेंटीना अगर ये दोनों टीमें आमने सामने खेल रही है और जीतने चाहते तो जीतने के चांसेस अर्जेंटीना के, मैं अभी बता रहा हूँ 90%, क्योंकि हिस्ट्री भी बताती है कि हयाती 104 नंबर है वर्ल्ड के, और अर्जेंटीना तो आपको तो पता ही टॉप में आती है, तो मैं यहाँ कैलिब्रो को गोलकीपर करने जा रहा हूँ, और जॉन प्लेसिडो कन्फर्म खेलने वाली है, अभी मुझे कमेंट में आएगा कि भाई कोई गालियाँ देगा कि कन्फर्म ही बताता हूँ अभी भाई, मैं अपने हिसाब से नहीं और इंजरी में डेबिट प्लेयर भी आपको नहीं बताता, क्योंकि अगर मैंने लिया तो मुझे और कमेंट में गाली आएगी, अबे भाई चेंजेस करने के लिए मैं कमेंट भी 21 प्लेयर लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट है, आखिर के 1 घंटे नहीं 5 घंटे पहले या 6 या 10 घंटे पहले भी मैंने वो कमेंट में वही देखी वो प्लेयर भी दिए कि भाई आपको आपको अगर लगे हो, और जिसने कमेंट की थी उसे भी मैंने रिप्लाई देकर चेंज करने के लिए जो दिया था, फिर जाने दीजिए,
जॉन प्लेसिड को कर सकते हैं, मिकेल ब्रू को करने जा रहा हूँ क्योंकि अच्छे गोल कीपर है और अर्जेंटीना के चांसेस है। डिफेंडर में आप देख सकते हैं तो बहुत ऑप्शन मिलते, आर्कस जो मैच खेलने वाले कन्फर्म है, निकोलस ओतमदी, ये देखिए बहुत अच्छा क्रेडिट है, जानता हूँ ओतमदी खेलेंगे लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता ना भाई, जो स्क्वाड में दिया हुआ होता है आखिरी टाइम में चेंज होता है तो फिर मुझे ही गालियाँ दोगे। फेजो खेलने वाले उन्हें भी लीजिए, निकोलस तागलीपी को वो भी खेलने वाले, गर्बी मालकोडो मार्कोडो सॉरी नाम में मिस्टेक आते हो उसके लिए भी सॉरी, आर्कस को निकलता हूँ अगर नहीं खेले तो मुझे देंगे, क्योंकि भाई मैं ऐसे इसलिए बनाता हूँ कि आप 1 लाख के स्टैंड में आए तो आपकी रैंक ऊपर आती है, आपकी भी यूनिक टीम होनी चाहिए ना, लेकिन कोई इसकी परवाह भी नहीं करता भाई। पॉल डोबेला जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और की प्लेयर है इनका, इसका मतलब ये होता है कि जो गोल करने वाले प्लेयर है फुटबॉल मैच में, जो गोल करता है ना कप्तान वाइस कप्तान, आप मेरे 9 प्लेयर मत लीजिए या फिर आप, लेकिन 2 प्लेयर में कन्फर्म बताता हूँ कप्तान वाइस कप्तान जिसके 95% चांस जीतने के होते, वो दावेदार मैं आपको बताता हूँ, एंजेल दी मारिया, इवेन बंगा जो खेलने वाले, लुकोस बगीला जो खेलने वाले, एलसीएस वो भी खेलने वाले भाई। बहुत बुरा लगा यार कल के मैच का मुझे भी, अभी भाई मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी के हार के लिए थोड़ी ना बनाता हूँ, मेरी गलती भी मैं कभी कभी मानता हूँ। लियोनी मूसी मेसी ये तो पूरी दुनिया जानती है, 7 प्लेयर अलाउड है तो हमें बगेला की जगह मेसी को लेना पड़ेगा, फुगन को लीजिए, ये देखिए क्रेडिट कम पड़ रहे, यहाँ तो सबसे बड़े दार की थी नहीं, उन्हें भी लीजिए, नेजोन को भी लीजिए वो भी बहुत अच्छे और खेलने वाले, यहाँ देखिए क्रेडिट कम पड़ रहे, अर्जेंटीना को मैक्सिमम 3 फॉरवर्ड यानी कि हम 3 ही ले सकते, गोंजेला हिगोन को मैंने नहीं लिया जो खेलने वाले, अरे अगर खेले तो भाई टॉप परफॉर्मेंस, ये तीनों जो मैंने लिए ये देख सकते लियोन मिस, ये ऐसे प्लेयर है जो गोल करते, मिडफील्डर में पी दायोबेला और दी मारिया ये दोनों ऐसे है कि वो भी कन्फर्म गोल करते भाई, पी और बे जो मैच खेलने वाली उन्हें भी लीजिए क्या भाई, इसलिए क्योंकि भाई मैंने अगर स्क्वाड लिया उसमें कोई नहीं खेला 1-2 प्लेयर तो मुझे कोई बोलेगा कि कमीशन खाया, किसी टीम बनाते थर्ड क्लास चैनल बंद कर दे ऐसे भी आएगी ना, तो अब मुझे भी भाई सोच समझ कर ही बनानी पड़ रही, या एक ही रिस्क है कल के मैच की तरह 4-5 नहीं सिर्फ एक ही, अगर आपके हिसाब से आर्कस और निकोला दोगे, आर्कस मैक्सिमम 7 प्लेयर आर्कस को लीजिए 5.5, देखा अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि क्रेडिट कम पड़ रही, तो हमें अच्छा प्लेयर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो 4B की जगह मैं मार्कस एकोना को लेता हूँ भाई, 7 प्लेयर एक टीम के, तो हयाती के हमें लेना पड़ेगा और हयाती के ऐसे भाई रिस्की है सभी, क्यों क्योंकि भाई हयाती के अच्छे खेलने वाले है ही नहीं, 1-2 ही सिर्फ, तो हमें ये करना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो रही है उसके लिए भी सॉरी, लेकिन आपके पैसे जा रहे हैं भाई, टाइम का क्या होता है, टाइम तो जाने दीजिए, हयाती के लीजिए, लिया 6.5 पूरे क्रेडिट, और किसी को कम करना पड़ेगा तो, और भाई दाबेला को तो नहीं छोड़ सकते और दी मारिया को भी नहीं, बेंगा को हम छोड़ते, बेंगा की जगह हम 4B को रखते नहीं, क्रेडिट के चलते छोड़ रहे, मार्कोस एकोना को लेते हैं और क्रेडिट कम पड़ रहे,
तो लुकास बगीला को लेते 7.5 क्रेडिट के चलते मैंने कम किया, आप ध्यान से देखिए वरना वही टीम नहीं लोगे और फिर मुझे वही गाली आ गई कमेंट में। अब देख सकते कमेंट क्रेडिट के चलते मुझे वो छोड़ना पड़ रहा है, शायद यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है कि इथिनी नेजोन को छोड़ूंगा तो पूरी मैच ही बदल जाएगी। आपके 11, 10, 9 प्लेयर भी अच्छे होंगे ना स्क्वाड में तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भी दोनों लियोनो मेसी को छोड़ूंगा तो मुझे पागल कहेंगे। अभी मुश्किल हो चुकी है कि किसको छोड़े, पी दायबोला को छोड़ेगा तो वही तकलीफ है, दी मारिया को छोड़ूंगा तो वही तकलीफ है, लेकिन दी मारिया को ही छोड़ना पड़ेगा। मार्कस एक्विनो को लेता हूँ 8.5, तो अब होते क्रेडिट बराबर। देखिए इस मैच में ऐसा हुआ है कि क्रेडिट कम पड़ रही है, आप अगर अच्छी प्लेइंग 11 लेंगे तो भी क्रेडिट कम पड़ेगा, और ऐसा होगा कि अच्छे प्लेयर जा रहे हैं, जैसे कि दी मारिया जो बहुत अच्छे प्लेयर है, अगर उन्हें नहीं लिया तो मैच चली गई ऐसा ही समझिए। नेजोन को नहीं लिया, हयाती के ये दो ही तो है जो बहुत अच्छे हैं, नेजोन और दी मेथी। अर्जेंटीना को मेसी को नहीं लिया तो भाई पागल कहेंगे मुझे, जाने दो। 8.5 क्रेडिट के आर्कस को लेता हूँ, सेफ जाइए, निकोलस को लीजिए। कप्तान वाइस कप्तान की बारी आती है कि कप्तान और वाइस कप्तान किसे करूँ। पॉल दाबेला को मैं कप्तान करने जा रहा हूँ, तो वाइस कप्तान में यहाँ मेसी को करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट ड्रीम 11 टीम है तो यह ऐसा हो, इसलिए मैंने आपसे यही कहा कि अगर आप एक टीम के साथ जाना चाहते हो ध्यान से देखिए तो अर्जेंटीना के साथ जाइए। ये देखिए कमेंट आई है, किसी ने अभी भी गालियाँ दी होगी या फिर, क्योंकि कल के मैच में जो हुआ, लेकिन भाई एक टीम हारने से, एक बार हारने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो टीम आती तो आप यूनिक होते, 1,00,000 कंटेंट में आप पहली रैंक मार जाती है, टॉप 10 में आते, लेकिन किसी को वो पड़ी नहीं, किसी ने कप्तान वाइस कप्तान मेरा देखा नहीं अच्छा खेले, लेकिन वो देखिए कि 3 या 4 प्लेयर उसके नहीं खेले। आपको अगर कंफर्म चाहिए देखिए ये कंफर्म ही है, क्या होगा आप जीतोगे नहीं ना, जाने दीजिए जो चेंजेस करने के लिए का वो करे, क्योंकि क्रेडिट के चलते मैंने अच्छे प्लेयर को छोड़ दिया है, वरना वही टीम लोगे, कप्तान वाइस कप्तान जो 95% चांस होते हैं, जाने दीजिए आप, अगर आपको ट्रस्ट है तो लीजिए। पिदाई बोला कप्तान किया, वाइस कप्तान लियोनो मेसी को, किसको नहीं किया, ये हतनो नेजोन, ये दोनों को भी कर सकते हैं, लियोनो मेसी से भी अच्छे, लेकिन लियोनो मेसी वो वर्ल्ड के बेस्ट होते हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस इथेन का भी है जो कप्तान वाइस कप्तान के हकदार, और नेजोन का यल बगीला और यफ फेजो को भी ले सकते बहुत अच्छे, और मैंने एक को नहीं लिया शायद नाम भूल गया, उन्हें भी टीम में लोगे तो कप्तान वाइस कप्तान करो बहुत अच्छे। अगर आपको फिर प्रॉब्लम आती है कब देखिए, अगर एक या दो नहीं खेलेंगे तो मैं कमेंट में ज़रूर दूंगा कि ये प्लेयर नहीं खेलने वाला कन्फर्म है, मैं बता देता हूँ भाई, अगर मुझसे मिस्टेक हुए तो कोई बात नहीं, मैं कमेंट में बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो डालो और भाग जाओ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है कप्तान वाइस कप्तान या फिर गालियाँ बन दो भाई, सीधा बताओ मैं देता हूँ आपके आंसर अच्छे से, भाग नहीं जाता कमेंट इसलिए हुए, चाहो तो डिसेबल करके भाग जाता था। वीडियो अच्छी लगे भाई, वीडियो अच्छी नहीं लेकिन आपके हिसाब से आप देख सकते हैं तो लाइक कीजिए, लाइक किसे पता चलता है भाई, पैसे नहीं मिलते लाइक किया कमेंट के, मुझे उल्टा तकलीफ होती आंसर देने पड़ते। अगर आप नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।